वेलकम टू मिस केमिस्ट्री। देखो मैंने आपको क्विज नंबर 4 दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और एक और बात, काफी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट भी दिया है, काफी स्टूडेंट जिन्होंने गलत भी दिया है इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों ही आप देख लेना, मुझे नहीं पता आपने क्या कंसेप्ट लगाया है, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और देखो आपको नेम पता होना चाहिए जो आपको रिएक्टेंट दिया है, इसको बोलते हैं 3-methyl-indole डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है, एज अ नेम आपको पता होना चाहिए, 3-methyl-indole डेरिवेटिव, ठीक है। तो दिया है आपको ये, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन दिया है, और ये बॉन्ड दिया है, यहाँ पे लगा है आपका मिथाइल, ठीक है। और आपको ये क्या एक दिया है CH2Cl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं CH2Cl2 को, डाइक्लोरोमीथेन। और जो साथ में आपको दिया है मिथाइलिथियम, ठीक है, मिथाइलिथियम। और मैंने पूछा इसका बनता है क्या, कौन सा प्रोडक्ट आपका ऐसा इसका बनता है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे इसका सारा मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ पहले। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे होगी जनरेशन ऑफ कार्बिन, सबसे पहले आपको काम करवाना है जनरेशन ऑफ कार्बिन, ठीक है। देखो मैंने आपको कार्बिन में करवाया नहीं, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कार्बिन में आपको और भी अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। देखो जो कार्बिन है, क्या है यहाँ पे जो कार्बिन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2Cl2 को, इस टाइप से Cl दिया है आपको, एक Cl यहाँ पे लगा दो, एक H यहाँ पे लगा दो, एक H यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ये क्या आपका डाइक्लोरोमीथेन है, जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइलिथियम के साथ। अब देखो जो मिथाइलिथियम है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और जो मिथाइल होता है वो क्या होता है आपका, आपका आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या आपका नेगेटिव पार्ट, और ये क्या है आपका पॉजिटिव पार्ट, ये क्या है नेगेटिव पार्ट, ये क्या है पॉजिटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा अपनी तरफ, ठीक है, और लिथियम क्या ले जाएगा, इस क्लोरीन को, लिथियम क्या ले जाएगा, इस क्लोरीन को। मतलब यहाँ पे देखो निकलेगा क्या, यहाँ पे लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा, और एक क्या निकलेगा यहाँ पे मिथेन, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगा, मिथाइल तो पहले था, ये ले गया इसको, तो क्या करेगा मिथेन बना के निकल जाएगा, और एक क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे कार्बिन, क्या जनरेट हो गया यहाँ पे कार्बिन। तो देखो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपकी कार्बिन, तो कार्बिन की जनरेशन हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या लेना है, ये लेना है जो 3-methyl-indole डेरिवेटिव है, उसकी रिएक्शन करवानी है इस कार्बिन के साथ। तो कार्बिन हमने जनरेट कर ली, कार्बिन जनरेट करने के बाद देखो हमने क्या किया, ये लिया वापस से 3-methyl-indole डेरिवेटिव जो हमें दिया हुआ था, ठीक है, जो हमें दिया हुआ था हमने वापस से ले लिया। यहाँ पे आपको मिथाइल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया है कार्बिन H, ये क्या है आपका H, यहाँ पे आपका है Cl, ठीक है। अब देखो जो कार्बिन है आपको पता होना चाहिए, जो कार्बिन होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हमेशा, कैसे, एज अ किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये क्या होता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। और देखो जो 3-methyl-indole डेरिवेटिव है, इसमें ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन, क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन। ये जो न्यूक्लियोफाइल है किस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या बनता है, अटैक करने के बाद यहाँ पे बनेगा, जब इसने यहाँ पे अटैक कर दिया डबल बॉन्ड ऐसे इस टाइप से दिया हुआ है आपको, ठीक है, जब इसने यहाँ पे अटैक किया, क्लियर है, जब इसने यहाँ पे अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा आपका जनरेट होगा, यहाँ पे आएगा आपका H, यहाँ पे आएगा आपका Cl, और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप पहले ही अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप पहले ही अटैच है, समझ में आ गई आपको इतनी बात। यहाँ पे क्या है आपके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब देखो जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और यहाँ पे बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, क्लोरीन तो यहाँ पे निकल गया। अब देखो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट, एक ऑप्शन दिया है सेकंड, एक ऑप्शन दिया है फोर्थ, ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे आंसर तो हमें पता चल गया कि थर्ड आएगा इसका, क्योंकि चार ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में आपको क्या दिया, जो और ऑप्शन है आपको वो तो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में आपको क्या दिया है, क्लोरीन लगा हुआ है फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में। चेक करो आप, फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ है उसमें तीनों में क्लोरीन है, तो यहाँ तो मैंने क्लोरीन निकाल दिया, एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप है,
जब ये यहाँ पे शिफ्ट होता है बॉन्ड तो ये क्लोरीन तो निकल गया, दैट मीन्स हमारा आंसर तो आ गया थर्ड। लेकिन ये आया कैसा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन निकलने के बाद होगा क्या, क्लोरीन निकलने के बाद यहाँ पे आपकी कंडीशन बनती है ये, क्या बनेगी कंडीशन आपकी, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एच, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इस क्लोरीन पे दिए तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ठीक है यहाँ पे क्या आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका मिथाइल, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड, यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ है तो ये क्या आ गया एक बॉन्ड, समझ में आ गई, ये क्या था यहाँ पे शिफ्ट हुआ एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका बॉन्ड, यहाँ पे लोन पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे आ गया आपका बॉन्ड। अगर काउंट करते हैं नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 कितनी मेंबर रिंग बन रही है आपकी, 6 मेंबर रिंग बन रही है ठीक है, तो ऊपर कर रही हूँ मैं देखो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर रिंग बनने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनने के बाद में ऐसे बना सकते हो इसको ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से आएगा क्लियर, यहाँ पे आएगा मिथाइल, इस टाइप से आएगा आपका मिथाइल, ऐसे प्रेजेंट हो गया विद आउट ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो आपका क्या निकला था क्लोरीन लिविंग ग्रुप, एज अ क्लोरीन निकल गया था एज अ लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमें ये भी स्टेबल करना है, तो क्या होगा यहाँ से जो क्लोरीन था हमारा सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो क्लोरीन क्या जो क्लोरीन होता है हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो देखो बहुत ज्यादा वीक बेस होता है ठीक है, क्लोरीन क्या है वीक बेस होता है, बट इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी होती है, जब इसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो मैंने आपको बहुत बार बोला है हाइड्रोजन क्या जाता है विदाउट बॉन्ड, जब ये बॉन्ड विदाउट बॉन्ड जाएगा अपनी बॉन्ड इसको देके जाएगा नाइट्रोजन को, और इसके जो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे क्या हो जाता है बैलेंस, बैलेंस होने के बाद तो देखो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे कर रही हूँ, देखो आपका जो आंसर आता है यहाँ पे बना रही हूँ मैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये ठीक है, समझ में आ गया अब आपको, जिन्होंने गलत किया था वो देख लेना ठीक है, आपका आंसर आंसर ये आएगा ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ये आ गया आपका प्रोडक्ट ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है करेक्ट, जो थर्ड ऑप्शन है वो है करेक्ट, समझ में आ गई आपको मैंने क्या किया है यहाँ पे ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आप इसको पढ़ लेना ध्यान से ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।